पांच दिया था छह डिवीजन है। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएड सेकंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है औपचारिक शिक्षा में नामांकन लिंग भेद। औपचारिक शिक्षा में नामांकन लिंग भेद इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्रों में स्त्रियों की सहभागिता में आज उत्तरोत्तर विकास हुआ है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक और निरौपचारिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिसमें स्त्रियां जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी हैं। आज लिंग भेद जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा है तथा समाज में बालकों के समान ही बालिकाओं की शिक्षा पर भी आज ध्यान दिया जाने लगा है। आज स्त्रियों में भी जागृति आई है, वह भी शिक्षा के महत्व को समझने लगी है तथा बालकों के समान वह अपनी बालिका की शिक्षा पर भी आज वह ध्यान देने लगी है। परंतु फिर भी जो लैंगिक विभेद है समाज में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। आज भी शिक्षा का जो प्रतिशत है पुरुषों में अधिक पाया जाता है, स्त्रियों में शिक्षा का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा कम ही रहता है और इस प्रकार जो लैंगिक भेद है वह आज भी शिक्षा के क्षेत्र में वह दिखाई पड़ता है। तो औपचारिक शिक्षा में नामांकन लिंग भेद जो आज का हमारा टॉपिक है। तो औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में जो नामांकन को 100% बनाने में बालिकाओं की भूमिका जो है शोचनीय ही रही है। पिछड़े और दलित परिवार के बालक तो विद्यालय में नामांकित करा देते हैं, परंतु बालिकाओं का जो नामांकन है करने में वह अनेक प्रकार के तर्क वितर्क देते हैं तथा अपनी बालिकाओं का वह विद्यालय में नामांकित नहीं करवाते हैं। इस प्रकार का जो भेदभाव है प्रत्येक शिक्षण संस्था में देखा गया है। तो नामांकन संबंधी भेदभाव के कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। औपचारिक शिक्षा में जो नामांकन लिंग भेद पाया जाता है उसके अंतर्गत प्रमुख कारण है वह निम्नलिखित रहे हैं। नंबर एक है नारी जागरूकता का अभाव। दो नंबर है सामाजिक प्रतिबंध। तीन नंबर है पारिवारिक प्रतिबंध। चार नंबर धार्मिक प्रतिबंध। पांच नंबर है नारी सशक्तिकरण का अभाव। छह नंबर समुदाय सहभागिता का अभाव। सात नंबर विद्यालय सहभागिता का अभाव। आठ नंबर है उचित निर्देशन व परामर्श का अभाव। नौ नंबर है नारी संघर्ष का अभाव। दस नंबर है नारी शिक्षा का अभाव। तो औपचारिक शिक्षा में नामांकन लिंग भेद के निम्नलिखित कारण जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे हैं। तो नंबर एक है नारी जागरूकता का अभाव। तो विद्यालयों तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में नामांकन की जो स्थिति है नगण्य होने के मूल में नारी जागरूकता का अभाव पाया गया है। प्रायः नारी शिक्षा के महत्व एवं जो उपयोगिता को नहीं समझती है। प्रायः जो नारी है वह बालिका शिक्षा के महत्व को नहीं समझती है। यही कारण है कि वह अपनी बालिकाओं का जो नामांकन है प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में नहीं करती। इसके साथ साथ अनेक व्यवसायी
औपचारिक संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने में भी जो नारी है संकोच का अनुभव करती है, इस प्रकार उसकी औपचारिक शिक्षा जो है बाधित हो जाती है। तो नारी जागरूकता का अभाव है, यही कारण है कि विद्यालयों में जो नामांकित बालिका जो प्रतिशत है वह कम पाया जाता है, क्योंकि जो स्त्रियां हैं शिक्षा के महत्व को सही ढंग से समझ नहीं पाती, इसके कारण जो है वह विद्यालय जाने में असमर्थ हो जाती है। जो आवश्यकता इस बात की है कि नारी में जन जागृति उत्पन्न करने में अनेक जन जागृति कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे कि जो नारी है शिक्षा के महत्व को समझ पाए और अपनी बालिकाओं का जो नामांकन है बालकों के समान ही करवा पाए। दूसरा है सामाजिक प्रतिबंध, तो विद्यालयों तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में नामांकन की स्थिति जो नगण्य है, उसका एक कारण स्त्रियों के अंतर्गत जो सामाजिक प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं माना जाता है। सामाजिक प्रतिबंधों के कारण ही बालिकाओं का जो नामांकन है वह संभव नहीं हो पाता। समाज में बालिकाओं को पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता। समाज में जो अनिवार्य शिक्षा तक बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने की अगर अनुमति प्रदान कर भी दी जाती है तो वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ सिद्ध होती है, क्योंकि बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जो समाज है वह अनुमति प्रदान नहीं करता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग हैं उनका ऐसा मानना है कि बच्ची को पढ़ा लिखा कर क्या करना है, उसे एक दिन प्राय घर में जाना है, उसे तो घर गृहस्थी का जो कार्य है अच्छे ढंग से आना चाहिए और उसे प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान कर उसे घर के कार्यों में लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो बालिका है विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाती और नामांकन का जो 60% लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो पाता है। इस प्रकार उच्च शिक्षा तक कुछ बालिका ही पहुंच पाती है। अतः सामाजिक प्रतिबंध के कारण ही सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही नामांकन की जो स्थिति है वह नाम मात्र की ही रहती है। इसके मूल में नारी जागरूकता का अभाव ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। अगर नारी पढ़ी लिखी होगी तो ही वह शिक्षा के महत्व को समझ पाएगी और अपने बालकों के समान ही अपनी बालिकाओं का नामांकन भी विद्यालय स्तर पर करवा सकेगी। नेक्स्ट है पारिवारिक प्रतिबंध। तो परिवार में बालिकाएं जो है गृह कार्य में सहयोग प्रदान करती है। परिवार के अंदर जो बालिकाएं हैं अपनी माताओं के साथ गृह कार्य में सहयोग प्रदान करती है। बालिका घर में बड़ी है तो वह अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है तथा उनकी हर सुख सुविधा को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए माता पिता दोनों ही बालिकाओं का नामांकन प्राथमिक स्तर पर नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अगर बालिका घर पे रहेगी तो घर के कार्यों में हाथ बढ़ाएगी तथा उसके साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखेगी, इससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान ही नहीं हो पाता। वह मानते हैं कि बालिकाओं को गृह कार्य में भी कुशल होना चाहिए, इससे बालिका शिक्षा की जो व्यवस्था है पूर्णतः बाधित हो जाती है। तो इस प्रकार पारिवारिक जो प्रतिबंध है वह भी बालिका शिक्षा को शिक्षा प्राप्त करने में एक प्रमुख बाधा रहे हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है धार्मिक प्रतिबंध। तो अनेक धर्म शास्त्रों में नारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है। प्रत्येक भारतीय धर्म को महत्व प्रदान करता है, इसलिए नारी स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए
या नियंत्रित करने के लिए शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि संकीर्ण विचारधारा के पुरुष का मानना है कि स्त्री शिक्षा अगर प्राप्त होगी तो वह फिर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी, जिससे पुरुषत्व के महत्व में कमी आएगी। इस प्रकार बालिकाओं का जो नामांकन है प्राथमिक स्तर की शिक्षा में नहीं करवाया जाता, और यही कारण है कि जो बालिकाएं हैं बालकों की अपेक्षा शिक्षा में पिछड़ जाती हैं, क्योंकि जो पुरुषों की संकीर्ण विचारधारा है वह बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि पुरुष वर्ग का ऐसा मानना है कि अगर बालिका शिक्षा प्राप्त करेगी तो वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी, तो इससे अच्छा यही होगा कि उसे शिक्षा प्राप्त न करने दी जाए और उसे घर की चार दीवारी में ही कैद कर लिया जाए। नेक्स्ट है नारी सशक्तिकरण का अभाव। नारी सशक्तिकरण का अभाव, तो नारी सशक्तिकरण का अभाव भी नामांकन में लिंग भेद उत्पन्न करता है। प्रथम स्त्री वर्ग के द्वारा पुरुष के इस निर्णय का विरोध नहीं किया जाता कि वह बालिका को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं भेजता, तो नारी सशक्तिकरण के अभाव के कारण ही जो महिलाएं हैं अपने पति से या सास ससुर से यह प्रश्न नहीं कर पाती कि बालिका को आखिर विद्यालय क्यों नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि नारी स्वयं उस पुरुष पर आश्रित होती है जो भेदभाव करता है। तो भारतीय समाज में जो अंतिम निर्णय है पुरुष वर्ग को ही लेने का अधिकार समझा गया है। इस प्रकार स्त्री चाहकर भी लैंगिक भेदभाव का विरोध कर नहीं पाती, और नामांकन के जो मार्ग में प्रमुख रूप से जो है बाधा देखी जाती है, तो नारी सशक्तिकरण के अभाव के कारण ही जो नारी है इस बात का विरोध नहीं कर पाती कि उसकी बालिका को विद्यालय में नियमित रूप से भेजा जाए, क्योंकि जो नारी है वह परिवार में स्वयं पुरुष के अधीन होकर कार्य करती है। घर के जो महत्वपूर्ण निर्णय है जो उत्तरदायित्व है वह पुरुष वर्ग के द्वारा ही लिए जाते हैं। नारी की जो भूमिका इसमें नगण्य रहती है, उन्हें केवल घर गृहस्थी संभालने तक ही सीमित कर दिया जाता है और शिक्षा प्राप्त न कर पाए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती है। यही कारण है कि बालिका को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में नामांकन नहीं करवाया जाता, और इस कारण से जो लिंग भेद है वह विद्यालय स्तर पर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है समुदाय सहभागिता का अभाव। समुदाय सहभागिता का अभाव भी जो विद्यालय स्तर पर नामांकन में लैंगिक विभेद को दर्शाता है, तो विद्यालय एवं समुदाय के मध्य जब पूर्ण सहयोग नहीं होता है, विद्यालय एवं समुदाय के मध्य जब पूर्ण सहयोग नहीं होता है, तो विद्यालय गतिविधियों के संदर्भ में अभिभावकों का जो ज्ञान है वह प्राप्त नहीं हो पाता है। अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, वह बालक को तो शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि बालकों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है तथा वही उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यही कारण है कि जो अभिभावक हैं बालकों की शिक्षा के प्रति तो रुचि दिखाते हैं, जबकि बालिकाओं के संबंध में अगर पूछा जाए तो उनका यही जवाब रहता है कि बालिका पढ़ लिख कर क्या करेगी, उसे तो एक दिन प्राय घर में जाना होगा। तो यही कारण है कि वह अभिभावक जो है बालकों का नामांकन तो विद्यालय में करवाते हैं, लेकिन बालिकाओं का जो नामांकन करवाने में असमर्थता दिखाते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप
जो शिक्षा है, बालिकाओं की जो शिक्षा है वह पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है। तो समुदाय सहभागिता का अभाव भी जो विद्यालय में नामांकन लिंग भेद उत्पन्न करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, विद्यालय सहभागिता का अभाव। तो विद्यालय प्रबंध एवं अन्य औपचारिक संस्थाएं मानती हैं कि अभिभावक बालकों पर ही शिक्षा के लिए व्यय करना चाहते हैं। बालिकाओं की शिक्षा पर जो अभिभावक हैं खर्च करने में रुचि नहीं दिखा पाते। यदि वे नामांकन करवाते भी हैं तो व्यक्तिगत संस्थाओं का शुल्क व्यय नहीं चुका पाते तथा छात्राओं को पढ़ने के लिए विद्यालय में नहीं भेजा जाता। इस प्रकार की स्थिति में विद्यालय एवं प्रबंध तथा अन्य औपचारिक संस्थाएं जो हैं उदासीन हो जाती है तथा बालिकाओं के नामांकन के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं, क्योंकि प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन का यह मानना है कि अभिभावक जो हैं बालिकाओं का शिक्षण शुल्क चुका नहीं पाते, अतः वह इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन बने रहते हैं, जिसके कारण जो बालिकाओं का नामांकन है वह भी विद्यालय में 100% के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि जो अभिभावक हैं बालकों की शिक्षा को भी अधिक महत्व प्रदान करते हैं, जिसके कारण लैंगिक विभेद की स्थिति जो है बनी रहती है। नेक्स्ट है, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव। उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव। तो विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत उचित निर्देशन एवं परामर्श का प्रावधान जो है छात्रों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी होना चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता। शिक्षक वर्ग को तो अपनी विद्यालय व्यवस्था से समय ही नहीं मिलता। व्यक्तिगत संस्थाएं शुल्क लेती हैं, इसलिए वह बालिका शिक्षा में रुचि नहीं लेते। इस प्रकार बालिकाओं के अभिभावकों को उचित निर्देशन एवं परामर्श की प्राप्ति नहीं हो पाती, अतः जो अभिभावक हैं अपनी संकीर्ण विचारधारा के आधार पर बालिकाओं का नामांकन करवाने में असमर्थ रहते हैं। तो अभिभावकों को उचित परामर्श एवं निर्देशन विद्यालय स्तर में जब प्राप्त नहीं हो पाता तो जो अभिभावक हैं अपनी बालकों के समान बालिका शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते, और यही कारण है कि बालकों की शिक्षा में रुचि तो अभिभावक के द्वारा ली जाती है लेकिन बालिका शिक्षा के प्रति वे उदासीन रहते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि अभिभावकों को उचित निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाए, बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाए ताकि समाज में लैंगिक विभेद को समाप्त किया जा सके तथा बालक और बालिका दोनों को ही समान रूप से शिक्षा प्रदान करने में जो अभिभावक हैं रुचि दिखा पाए। नेक्स्ट है, नारी संघर्ष का अभाव। नौनंबर, तो नारी संघर्ष का अभाव भी बालिका नामांकन बालिका शिक्षा नामांकन के भेदभाव के लिए उत्तरदायी रहा है। जब वे अभिभावक बालक एवं बालिका में भेदभाव करता है तो बालिका की मां को विरोध कर इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, परंतु पति के द्वारा उसको आर्थिक सामाजिक और अन्य समस्याएं बताकर शांत कर दिया जाता है। पति के द्वारा अपनी पत्नी को आर्थिक सामाजिक और अन्य समस्याएं बताकर उसे शांत कर दिया जाता है। स्वयं बालिका में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह अपने पिता से जोर डालकर यह कह पाए कि उसे भी शिक्षा प्राप्त करनी है, विद्यालय में जाना है। तो नारी संघर्ष शक्ति के अभाव के कारण ही जो बालिकाओं का नामांकन है वह विद्यालय स्तर पे नहीं हो पाता है और जो बालिकाएं हैं बालकों की अपेक्षा शिक्षा में पिछड़ जाती है। नेक्स्ट है, नारी शिक्षा का अभाव पाया जाना। तो वर्तमान भारतीय समाज
शिक्षा के क्षेत्र में जो नारी है आज भी पुरुषों की अपेक्षा प्रतिशत जो है कम है। इससे उनकी मानसिक इसके कारण स्त्रियों की जो सोच है मानसिकता है जो संकीर्ण बनी हुई है। नारी शिक्षा के अभाव के कारण ही जब उसकी बालिका के साथ नामांकन संबंधी भेदभाव किया जाता है तो वह शांत रहकर इस बात को सहन कर लेती है, क्योंकि न तो उसको शिक्षा का महत्व पता होता है और न ही उसको अपने अधिकारों के प्रति जानकारी होती है। क्योंकि अगर महिला शिक्षित होगी तो ही वह अपने अधिकारों के प्रति जानकारी रख सकती है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकती है, अपने परिवारजनों पर अपनी बालिका को पढ़ाने के लिए जोर डाल सकती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि नारी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि बालिका शिक्षा को महत्व दिया जा सके और लैंगिक विभेद जो है समाप्त किया जा सके और बालिकाओं के नामांकन के 100% लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। तो इसके लिए महिला को शिक्षित होना होगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। इसके साथ साथ सरकार को भी बालिका शिक्षा हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। उन्हें गणवेश पाठ्यपुस्तकें तथा छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभिभावक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वह भी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में रुचि दिखाने लगेंगे और जो बालिकाएं हैं बालकों के समान ही शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक शिक्षा में नामांकन लिंग भेद अर्थात नामांकन संबंधी भेदभाव बालक और बालिकाओं में जो किया जाता है उसके क्या कारण उत्तरदायी थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसके साथ ही आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।